जब G20 का सम्मेलन हुआ, बड़ा ढिंढोरा पीटा गया G20 का, बड़ा प्रचार कि दुनिया में वो महामानव पैदा लिए हैं, अवतरित हुए हैं, जिनको ये सौभाग्य मिला है, G20 का सम्मेलन हुआ। और G20 के सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय को भी दिखाया गया। मैं बड़े ध्यान से उसको देख रहा था कि इस आदमी की मंशा आखिर क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय की यह तस्वीर, G20 की यह तस्वीर है, ये नालंदा विश्वविद्यालय को दिखा रहे थे, जो हमारा हेरिटेज है। हेरिटेज मैं आऊंगा, अभी बहुत चीज देखने लगे, अभी देखिएगा तब आपको लगेगा। अभी एक साथ दिखाएंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राष्ट्रपति, और बगल में जिनके खड़े हैं समझ ही रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका संवाददाता सम्मेलन ही नहीं करवाया, मीडिया के लोगों से ना बात करेंगे ना बात करने देंगे, अब वियतनाम में जाके अपनी बात उन्होंने व्यक्त किया, अलग अलग विषय है। तो उसमें उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की इस विरासत को दिखाया और यह संदेश देने की कोशिश की कि ज्ञान की भूमि है बिहार, भारत, और इसकी विरासत है नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इतिहास के उस कालखंड की चर्चा करते हुए उन्होंने इस बात को इस तरीके से पेश किया, और माफ कर दिएगा मीडिया के लोगों, मीडिया में भी कुछ लोगों ने इस तरह से पेश किया कि केंद्र सरकार ने ऐसा पोस्टर लगा दिया, नालंदा विश्वविद्यालय का अंतरराष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय का पोस्टर लगाकर, हेरिटेज का फोटो लगा करके राष्ट्राध्यक्ष को जानकारी दे रहे हैं। और इस विश्लेषण में मीडिया ने, प्रधानमंत्री के विश्लेषण में जो G20 का हुआ, यह कहकर पेश किया गया कि उन्होंने बिहार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति बड़ी उदारता दिखाई। इस तरीके से पूरा पोस्टरिंग किया गया, मीडिया में यह दिखाया गया कि माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति बड़े उदार है, ये नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की चर्चा कर रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि आपने राज्य की जनता के साथ मजाक किया नरेंद्र मोदी जी, यह अधिकार आपको किसने दिया है? नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व हेरिटेज है, हमारा वो हेरिटेज, हमारी विरासत है, लेकिन आपने इसको मजाक का विषय बना दिया। आप इस बात की चर्चा तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन आपने क्या किया? ऐतिहासिक अगर आपको यह इच्छा थी कि नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की चर्चा करते, तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ है। उस तस्वीर को इसने उन्होंने नहीं दिखाया, उसके भी कारण है, मैं उस पर भी आऊंगा। यह है नालंदा यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस जो राजगीर में बना है। नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस को माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्राध्यक्षों से को नहीं दिखाया उन्होंने। अभी और फोटो है, घबराइए नहीं, ये फोटो से शर्मनाक है, इनका सब नकली नकाब उतार देने इनका। ये है नालंदा विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय न्यू कैंपस जो राजगीर में बना है, उसका ये फोटो है। अब चलिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ के गुफा में ज्ञान देने वाले, अब जरा देखिए विश्व गुरु बन रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा यह करना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का सत्ता संभाला, तो 28 मार्च 2006 को देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के आग्रह पर बिहार विधानसभा और विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन हुआ।
और उस भाषण में डॉक्टर कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार से आग्रह किया। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानमंडल का प्रस्ताव और आदरणीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अनुरोध, जब ये केंद्र की सरकार से अनुरोध किया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि हाँ, ये दुनिया का धरोहर है, नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। राज्य सरकार का अधिकार था नहीं, केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया और केंद्र सरकार ने इसको बिल्कुल कबूल कर लिया। फिर कानून बन गया, एक्ट के तहत वह नालंदा विश्वविद्यालय बनाने की बात की शुरुआत हो गई और दुनिया के 18 देशों ने थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन मैं जान, चूंकि आप मीडिया के लोग हैं आपको भी जानना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको विस्तार में आपको ले जा करके 2-3 घटनाक्रम की चर्चा करूंगा। ये विश्व गुरु हैं, दुनिया के 18 देशों ने, उसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, साउथ कोरिया, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो थी, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, द लेफ्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और ब्रुनाई, दर्शनम और मॉरिशस जैसे देशों ने इस सुझाव का स्वागत किया, कहा कि यह बनना चाहिए और दुनिया के अंदर में इसकी चर्चा सब शुरू हो गई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं अभिरुचि लेकर उस पूरे अभियान में लगे कि भाई यह नालंदा का यह मामला, नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन जाएगा, यह हेरिटेज है, यह गौरव है, बिहार का और देश का गौरव है, दुनिया का गौरव है, ज्ञान की भूमि पुनर्जीवित होगी, तो पूरा सकारात्मक प्रयास उन्होंने किया। और अब हम यह बताना चाहते हैं, यह देखिए मोदी चालीसा, अब आइए मोदी जी, बिहार की जनता नहीं देश की जनता जानना चाहती है कि कैसा 56 इंच का यह सेना का प्रधानमंत्री है देश के अंदर, कि जिस चाइना ने अपनी सहमति व्यक्त की थी, आज नालंदा यूनिवर्सिटी चाइना में बन के तैयार है, न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इन चाइना। मैं बताऊंगा कि नालंदा विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की मोदी सरकार ने कैसे फजीहत कर दी और चाइना ने न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इन चाइना बना दिया। जरा इसको इतिहास को जानिए और इस देश की माटी के लाल डॉक्टर अमर कृष्ण जैसा व्यक्ति, जो भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से जिनको नवाजा गया, उन पर आरोप लगा करके क्या क्या नहीं किया गया 2014 में, जो ही इनका पदार्पण होता है नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय पर ग्रहण लग जाता है। 2010 में ये एक्ट बनता है और नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो हमारी पूंजी है, अब बताइए क्या किया इन्होंने। 2017 में अपने ही देश के चीन ने नानसन पहाड़ी पर नालंदा यूनिवर्सिटी बना दिया और भारत सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण के सपने को बनने के पहले ही उजाड़ दिया। जो चीन हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने में मदद कर रहा था, चीन ने अपना खुद का नालंदा यूनिवर्सिटी बना दिया। साथी जो सहयोगी देश थे उन लोगों ने भी इनकार कर दिया और इसके कुलपति कौन हुए थे, डॉक्टर अहमद सेन जैसे लोग जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इतने बड़े लोग थे, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने मजबूर कर दिया उनको, उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते इस्तीफा दे दिया और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर को डीसी बना दिया। अब बताइए, कहा डॉक्टर अमर सेन
और कहा एक कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर उसको बना दिया। और आरएसएस के एक राम माधव है, उन्हीं के ट्वीट पर ही सब खेला हुआ था, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा था इस नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय को पनपने नहीं देंगे। गुनाह केवल उनका यही था, हम डॉक्टर अमर्त्य सेन का, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें भारत के चुनाव में वोट देने का अधिकार होता तो वो नरेंद्र मोदी को नहीं देते। तो कोई अगर असहमति व्यक्त कर देगा नरेंद्र मोदी से तो नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय कितना बड़ा घिनौना मजाक इस बिहार और देश में उस ज्ञान के उस पावन स्थल से किया गया। अब चलिए आगे इनको दिखाइए, इनका जरा खेल सब देखिए। इनका बिहार वाले नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म की पढ़ाई नहीं होता है, पाली का पढ़ाई नहीं होता है, संस्कृत पढ़ाई हो रहा है वहां, अंग्रेजी पढ़ाई हो रहा है वहां। कितना बड़ा मजाक है ये महात्मा बुद्ध की धरती है। आज बुद्धिज्म पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोध गया में जो विकास के सकारात्मक काम किए हैं, राजगीर में जो काम किया है, अब बुद्धिज्म की पढ़ाई आपने बंद कर दिया है। पाली जो आकर लैंग्वेज उसकी पढ़ाई आपने बंद कर दिया, संस्कृत पढ़वा रहे हैं जी, अंग्रेजी पढ़वा रहे हैं आप, तो पटना विश्वविद्यालय से लेके मगध से लेके पाटलिपुत्र तक सब जगह पढ़ाई हो रही है। हम यह जानना चाहते ज्ञानवान आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि आपने ये कुकृत्य क्यों किया। ये तो तय हुआ था कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो होगा विषय उसको पढ़ाया जाएगा, और चाइना क्या पढ़ा रहा है, चाइना का जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें बुद्धिज्म पढ़ाया जा रहा है, बुद्धिज्म आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जा रहा है, फिलोसफी पढ़ाया जा रहा है, और साथ ही साथ उसमें श्रीलंका से, थाईलैंड से, नेपाल से, कंबोडिया से के जो उच्च संस्थान है उससे उसने अपना नजदीकी संबंध स्थापित किया। अब हमारे यहां किसको भाई साहब ने चांसलर बना दिया, जो कंप्यूटर साइंस का आदमी था। और चाइना ने क्या किया सो देखिए, चाइना हमारा सामरिक दुश्मन है जो हमारी सीमा का अतिक्रमण कर लिया है, तो चाइना ने एक चीनी नागरिक को नहीं चुना, उसके लिए उन्होंने नेपाल के लुम्बिनी के स्थित मठ के भिक्षु को वहां के यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति कुलपति बना दिया। चूंकि उसकी इच्छा ये थी कि बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाया जाए, यानी दुनिया का ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी का विरासत बिहार के पास है, लेकिन उस चीन उस विरासत को हथियाने का पूरा प्रयास कर रहा है और भारत सरकार हाथ पर हाथ धर करके बैठी हुई है। सवाल यह उठता है कि आपको नीतीश कुमार जी से यह नाराजगी कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी, उनके दिमाग की यह परिकल्पना थी, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की परिकल्पना थी, तो यह मोदी सरकार को मंजूर नहीं। और छात्रों की संख्या क्या कर दिया ये तो बताने की जरूरत, मीडिया के लोग हैं आप जाकर के वहां देख लीजिए क्या हाल बना के इन लोगों ने रख दिया है दिल्ली की मोदी सरकार ने, जो ज्ञान की भूमि नालंदा और नालंदा के अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया है। और हम यह जब कहना चाहते हैं कि पूरे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील उस पर थे कि जब वो कैंपस में प्रारंभ हुआ था, एक होटल में, कैंपस के पास एक होटल में सत्र को प्रारंभ करवाया, पूरी गवर्निंग बॉडी यह चाहती थी 2015 में कि डॉक्टर अमर्त्य सेन भाई को दोबारा चांसलर बनाया जाए, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार को यह मंजूर नहीं हुआ। हम यह कहना चाहते उसके बाद पूरी दुनिया के लोगों ने बंद कर दिया, मदद देना बंद कर दिया। और इस ढंग अब बताइए, राम माधव ने ट्वीट में
के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना वाला कोर्स पॉलिटिक्स ऑफ योगा कर दिया एक प्रोफेसर ने, उनका फैक्ट्री का साउथ ऑफ नाम था, उनको अपमानित किया, उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। मैंने आरएसएस के निर्देश पर अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय चले, ये उनकी इच्छा थी। तो हम यह जानना चाहते हैं कि आप तो हमारा विरासत दिखा रहे थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय को बनाया, मोदी जी दिखाने में लाज लग रहा था, लज्जा आपको लग रहा था। दुनिया के विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्लाइमेट लीडर, जो यूनाइटेड नेशन ने जिनको डिक्लेयर नहीं किया, दूसरे नेताओं को नहीं डिक्लेयर किया, नीतीश कुमार जी को डिक्लेयर किया, तो उनसे मिल रहे थे। तो बताते ना कि हम जो विरासत दिखा रहे हैं, इसके पुनर्निर्माण का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, ये बताने में लाज लग रहा था। काय लगा रहे हैं, अरे बात किया अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ, तो G20 के सामने कबूल करते कि जो नीतीश कुमार जी की परिकल्पना थी, चाइना ने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री ने जानबूझकर साजिशाना तरीके से अंतरराष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के कद को कम करने की कोशिश की। बुद्धिज्म की पढ़ाई नहीं होगा तो मोदी चालीसा पढ़ाई होगा, एकांत मानवतावाद वहां पढ़ाई होगा, मैं क्या औचित्य है इसका। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्ञानी लोग हैं, 96 में मैट्रिक, 2005 में सतमा, वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास है, तो यही विषय कराने थे इंट्रोड्यूस इंटायर पॉलिटिकल साइंस से ही। तो हम यह जानना चाहते कि 13 सालों से नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण का कार्य अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया, कौन है गुनाहगार उसके लिए, और डॉक्टर अमर्त्य सेन जैसे लोगों को अपमानित करके देश के बौद्धिक, दुनिया के बौद्धिक जगत को आप अपमान कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे, भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानी पुरुषों से, यह अनुरोध करना चाहते हैं कि विरासत को तो दिखा दिया, लेकिन चाहे प्यार करो चाहे घृणा करो, नीतीश कुमार ने जो लकीर खींच दी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का, और हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उस समय हमारे राजनीतिक विरोधी थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के वो परिकल्पना नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय साकार रूप ले, उन्होंने सहमति व्यक्त किया, मदद किया, और जब से ही भदवी आया देश का प्रधानमंत्री राजदीप के रूप में आदमी बना, उसके बाद से नालंदा विश्वविद्यालय पर ग्रहण लगा दिया। हम बिहार के आम लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि केंद्र की यह दुराग्रहपूर्ण नीति कि जो बिहार ज्ञान की भूमि है, सम्राट अशोक की भूमि है, नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रति दुराग्रहपूर्ण रवैया, और लज्जा लग रहा है कि नहीं नरेंद्र मोदी, कि जो चाइना मदद कर रहा था आपको नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने में, उसने ये महसूस किया कि यह देश का नेतृत्व नकारा है, ये नहीं बनाएगा, अपने यहां नालंदा यूनिवर्सिटी बना लिया, हमारी पूंजी नालंदा विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय आपके दुराग्रहपूर्ण दोषपूर्ण रवैये से 13 साल में पूरा नहीं हुआ। धन्यवाद, आभार। नीरज जी, क्या खा दिया आप लोग? यही तो दिल्ली खाया कि दिन में कोरोना था इनको राजनीति का, तो ये दिखाते ना कि नालंदा विश्वविद्यालय ये दिखाए कि विश्व हेरिटेज, एक ऐसा दिखा देते हैं। ये तीन रूप है, देख लीजिए इनका, तीनों रूप दिखा देते हैं। यह है नालंदा का प्राचीन विरासत, प्राचीन विरासत को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दूसरा है चाइना, और तीसरा है जो नालंदा विश्वविद्यालय।
दोनों दिखाने में लाज लग रहा था, ये दोनों दिखा लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भी दिखाते हैं, जो प्राचीन हेरिटेज था और जो वर्तमान में बना है, तब वो नहीं दिखाए, तब उनको आईना दिखा दिए कि नेताजी आप छुड़छुड़ी पटाखा है, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के राष्ट्राध्यक्ष के सामने जो नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव था वो आपको दिखाने में कि बिहार पुनर्जागरण के दौर में वो नहीं दिखाया। अल्लाह जा रहे थे, चाइना नहीं आया था तो नहीं आया था, मेरा सामरिक दुश्मन है, ये बताते ना कि हम ना काबिल हैं, और चाइना काबिल है कि बना लिया। सनातन धर्म हिंदू धर्म का एक अंग है। सनातन धर्म या कोई भी धर्म मानने वाला व्यक्ति को भारत के संविधान के तहत उसको अपनी मान्यताएं उसूल को कायम रखने का अधिकार है। इंडिया का गठन इसी के लिए हुआ है कि चूंकि समाज के अंदर धर्म की बुनियाद पर लोग अराजकता फैला रहे थे, लोग मंदिर मस्जिद चर्च इसी की बुनियाद पर कर रहे थे, तो नीतीश कुमार जी और महागठबंधन के पहल पर इंडिया बना है। इसलिए कौन क्या बोलते हैं वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो इंडिया का फॉर्मेशन हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए। अरे डीएमके के नेता बोले तो डीएमके भी तो शामिल था ना इसमें, डीएमके शामिल था ना कॉन्स्टिट्यूशन। अरे बता तो रहे, एक व्यक्ति का बयान, मेरा बयान पार्टी का बयान पूरा हो जाएगा। भाई बीजेपी वाला अगर आलोचना कर रहा हूँ पूछिएगा तो बता देंगे। बीजेपी वाला बोल रहा है क्या कि सनातन धर्म पर कोई बोला है, तब हम उनको बताते हैं कि सनातन धर्म किसको कहते हैं।